नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बालगढ़ चौराहे स्थित प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर विधायक गायत्री राजे पवार ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अटल जी जहां एक ओर सफल संगठनकर्ता थे, वहीं दूसरी ओर देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पोखरण, परमाणु परीक्षण जैसे फैसलों से भारत की एक मजबूत छवि दुनिया में बनाई। कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, कुशल वक्ता, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही नगर निगम देवास और विकास प्राधिकरण देवास द्वारा आयोजित विकास कार्यों के अंतर्गत देवास मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मार्ग तथा भोपाल चौराहे से लेकर अपेक्स हॉस्पिटल तक सड़क चौड़ीकरण तथा सेंटर लाइटिंग कार्य, जिसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इसी प्रकार महात्मा गांधी चिकित्सालय में धर्मशाला एवं कैंटीन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 43 लाख रुपए है। इस अवसर पर CMHO MP शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। MR13 के निकट न्यू देवास जोन 2 की भूमि पर विकास कार्य, जिसकी लागत 52 करोड़ 37 लाख रुपए है, उसका भूमि पूजन किया। बाईपास से दीनदयाल नगर तक सेक्टर रोड निर्माण कार्य, जिसकी लागत 42 करोड़ 26 लाख है। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से निर्मित गार्डन का भी भूमि पूजन विधायक गायत्री राजे पवार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष बहादुर मुकाती, भाजपा नेता दुर्गेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट। आज देवास में कुछ कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत आज बिलावली से लेकर एपेक्स चौराहे तक की एक सड़क का भूमि पूजन किया गया है। वो सड़क 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। केंद्र की ओर से प्राप्त हुई निधि से बनने वाली यह सड़क देवास के लिए एक बड़ी सौगात रहेगी। इस सड़क के माध्यम से 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यह 3 चौराहे को कवर करेगी और निश्चित रूप से ये सड़क देवास की बैकबोन बनकर उभरेगी। इस सड़क के बनने के बाद देवास की अर्थव्यवस्था और यहाँ की सामाजिक गतिविधियों पर बहुत असर गिरेगा, वो सकारात्मक असर होगा। और जिस प्रकार से देवास शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से देवास बहुत जल्दी एक उन्नत शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा कि बिलावली चौराहे तक उज्जैन रोड बनकर कंप्लीट है, बाईपास भोपाल बाईपास बनकर कंप्लीट है, गुना तरफ जाने वाला बाईपास बनकर कंप्लीट है 6 लेन से। केवल देवास अंदर आने वाला रास्ता बचा था, आज उसका भी भूमि पूजन किया हमने। 6 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड, सेंटर लाइटिंग, दोनों तरफ ड्रेन्स पूर्ण कंप्लीट होकर बिलावली चौराहे से भोपाल चौराहे तक ये रास्ता बनेगा और भोपाल चौराहे से लेके एपेक्स हॉस्पिटल तक डाम्बर का रास्ता बनेगा, चौड़ीकरण होगा, सेंटर लाइटिंग होगी और जो ब्रिज बन रहा है उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट का रोड बनेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।